नमस्कार, सिद्धयात्रा न्यूज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनपद वासियों के लिए खुशखबरी, ऑक्सीजन प्लांट का किया गया शुभारंभ। एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा एवं मंडलायुक्त द्वारा पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय चिकित्सालय में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का किया गया शुभारंभ। चंदौली 17 मई 2021 मंडलायुक्त वाराणसी श्री दीपक अग्रवाल के सतत मार्गदर्शन एवं जिलाधिकारी चंदौली श्री संजीव सिंह के कुशल नेतृत्व से जनपद के कमलापति त्रिपाठी राजकीय चिकित्सालय में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ माननीय एमएलसी श्री अरविंद शर्मा द्वारा क्षेत्रीय विधायक श्रीमती साधना सिंह की उपस्थिति में किया गया। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया चंदौली के उद्यमी श्री गौतम चौधरी एवं विपिन अग्रवाल के द्वारा चंदौली में ही निर्मित इस ऑक्सीजन प्लांट को आज कमलापति राजकीय चिकित्सालय को समर्पित किया गया। 400 LPM क्षमता का यह प्लांट 800 बेडों को ऑक्सीजन सपोर्ट करेगा। इस प्लांट के शुरू हो जाने से जनपद में कोरोना मरीजों को किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर उनके जीवन की रक्षा की जा सकेगी। साथ ही जनपद में ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। ये ऑक्सीजन प्लांट पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय चिकित्सालय के MCH विंग में स्थापित किया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट के संचालित हो जाने से अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को पाइपलाइन द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। 400 LPM क्षमता के इस ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अजितेंद्र नारायण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी द्विवेदी, DC मनरेगा धर्मजीत सिंह, उद्यमी गौतम चौधरी एवं विपिन अग्रवाल, उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सत्यात्रा न्यूज से चंदौली मुकुटधारी सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। प्रदेशों में रहते हैं तो शुरुआत से ही जैसा कि बोला फैमिली का प्रदेश भी था एक और स्वास्थ्य विभाग का प्रदेश था कि ऐसे समर्थों को रोजगार के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की भी निगरानी की जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से ऐसे बाहर से आने वाले व्यक्तियों का श्रमिकों का हमने चिन्हांकन किया, उनकी सूची बनाई और उस सूची को हमने टेस्टिंग में इस्तेमाल किया। हमने उनको उनके स्वास्थ्य की निगरानी में इस्तेमाल किया और उनकी लगभग ऐसे हमारे यहाँ आज बेहतर 4,000 प्रवासी कामगार हैं जो हैं और उनकी हम लोग पोर्टल पर फीडिंग कराते हुए लगातार उनकी स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। किसी को अगर कोई खाने पीने की समस्या न हो शुक्रिया।